नमस्ते, आस्था ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। स्त्री होने का सुख और दुख स्त्री ही जान सकती है। स्त्री के मन की बात स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके, जिन्होंने स्त्री को बनाया है। स्त्री भगवान की बनाई हुई वह रचना है जो दुख में भी सुख को ढूंढ ही लेती है। इसीलिए स्त्री कब सुखी होती है और कब दुखी होती है, ये उससे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। एक स्त्री होने का एहसास बहुत ही सुखद होता है। जीवन के कहीं ऐसे पहलू हैं जो सिर्फ एक स्त्री ही महसूस कर सकती है। एक पुरुष उन पहलुओं से हमेशा अछूता ही रहता है। भगवान ने स्त्री के अंदर संवेदना और सहनशीलता पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा ही दी है। संतान को जन्म देना स्त्री जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका सुखद एहसास सिर्फ एक स्त्री ही कर सकती है। स्त्रियों को समर्पित यह बात और भी अच्छी है। स्त्री जीवन पर स्त्री एक बहुत ही ताकतवर जीव है। स्त्री तुम खुद को कम मत आंको, खुद पर गर्व करो, क्योंकि तुम वो थाली पूजा की थाली भी हो। ममता की टंडक है, प्यार की उष्मा है उसमें। तुम में से घर में साजा बाती है, घर घर है और तुम घर लौटने की इच्छा हो। क्या बना है रसोई में आज, झांक कर देखने की चाहत भी है। तुम पूजा की थाली हो, तुम खाने की थाली में पकवान परोसती हो वो स्वादिष्ट है। घर की घड़ी तुम हो, सोना जागना खाना सब तुमसे ही है। स्त्रियों बिना शादी और त्यौहार फीके रहते हैं, होली के सारे रंग फीके रहते हैं। विजय की लक्ष्मी रक्षा का सूत्र हो तुम, घर का खुला दरवाजा है स्त्री, रोशनी की खिड़की है स्त्री, ममता का आकाश भी स्त्री है, समुंदर हो तुम प्यार का, तुम क्या जानो तुम क्या हो। और कहते हैं लोग, आखिर स्त्री करती ही क्या है घर में।